जन्म दुखम जरा दुखम दुखम रोगाने मरणानियम। परमात्मा महावीर कहते हैं इस जीवात्मा के साथ में दुख हमेशा पीछे लगा हुआ है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है और मृत्यु का आना, मृत्यु का घेर लेना यह भी दुख है। व्यक्ति को दुख की अनुभूति तभी होती है जब उसके शरीर के अंदर जरा सी भी पीड़ा हो। मन के अंदर कोई चिंता होती है तब भी दुख की अनुभूति होती है। दुख अपने ही देते हैं, अपनों का दिया हुआ ही दुख होता है और जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है वह दुख होता है। जिस बात को व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है वह व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता है। दुख हमेशा जब आता है परमात्मा का स्मरण दिलाता है, परमात्मा का चिंतन दिलाता है, परमात्मा को याद दिलाता है। इसलिए कहा है कि महाभारत के युद्ध के बाद में श्री कृष्ण वापस द्वारिका जाने लगे, कुंती से मिलने के लिए गए। कुंती से कहा कि कुंती मैं अब जा रहा हूं मेरे नगरी की ओर, और कोई काम हो तो मुझे बता। कुंती कहती है कि जा, हे देव के नंदन, तुम जा रहे हो जाते तो मुझे एक वरदान देकर दे जाओ। तो बताओ क्या वरदान। कुंती कहती है हे देव के नंदन, मुझे एक वरदान दे कि जब तू जाए तो मुझे 5-7 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर एक दुख जरूर देना, एक वरदान दे कर देना। श्री कृष्ण कहते हैं अरे कुंती तू वरदान मांग रही है मेरे से, ऐसा वो भी दुख का, परमात्मा के दुख का वरदान मांगता है। हर व्यक्ति परमात्मा के सुख मांगता है। संसार की सृष्टि का नियम है कि व्यक्ति परमात्मा के सुख मांगने जाता है, दुख मांगने कभी नहीं जाता। लेकिन कुंती मांग रही कृष्ण से कि नहीं मुझे दुख देना। कृष्ण कहते क्यों, तो कि दुख में तो मुझे याद आएगा, सुख में डूब जाओगे। तुमने इतना सुख दे दिया मुझे, हस्तिनापुर का साम्राज्य दे करके, महाभारत का युद्ध करवा करके, कि मैं सुख में डूब जाऊंगी मैं तुझे भूल जाऊंगी। कहा है कि सुख में दुख में सुमरण सब करे, सुख में समय न कोय। जो दुख सुख में सुमरे दुख काहे को होए। सुख में कोई सुमरण नहीं करता है, दुख में परमात्मा व्यक्ति व्यक्ति सुमरण करता है। कि दुख के अंदर प्रार्थना होती है, वेदना होती है, ललक होती है परमात्मा तक पहुंचने की, कि मेरी प्रार्थना सुन ले। और सुख में जो प्रार्थना होती है वह सिर्फ ऊपरी होती है, कभी हो भी जाए तो ऊपरी होती है। दुख के अंदर जो प्रार्थना अंतर्मन से होती है। हम इस संसार के अंदर दुखियों के दान करने के अंदर अपना पुण्य समझते हैं, क्योंकि हॉस्टल में जाकर बर्थडे मनाया जाता है, अनाथ आश्रम में जाकर के यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, गौशालाओं में जाकर के गाय घास डाली जाती है, पशुओं को दाना दे करके, कुत्तों को रोटी दे करके, आदि दुखी जनों को, भिक्षुक जनों को भोजन दे करके व्यक्ति अपने पुण्य कर्म करता है। आज तक कभी सुना है तुमने कि कभी किसी श्रीमंत पुण्यशाली पैसे वाले सुखी व्यक्ति को भोजन देने से पुण्य मिलता हो, या मेरे किसी मेरे जन्म से मनाई हो, किसी ने जन्म से बनाया हो? नहीं, दुख में पड़े हुए व्यक्ति साथ में जाकर के ये पुण्य कार्य करना, क्योंकि उससे पुण्य मिलता है। और दुख दुख तो ईश्वर का साक्षात निवास होता है। दुख आए तो कभी घबराना नहीं जीवन के अंदर, क्योंकि दुख ही व्यक्ति को ईश्वर की अनुभूति देता है, दुख ही व्यक्ति को अनुभूति देता है।